अच्छा और गहरा है हो गए तो भाई ये देखो ये खुली हुई है ये वाली चक्की, इसके नीचे पानी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7:30। हाँ मैं 4 बजे निकलने वाला था लेकिन रात को 1 बजे जो भयंकर तूफान आया ना भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी भाई, बहुत ज़बरदस्त वाली बिजली कड़की और मेरी आँख खुल गई 1 बजे। और फिर 1 बजे से 3 बजे तक है ना मैं सोया ही नहीं, और 4 बजे मुझे निकलना था भाई। मैं सोच रहा था कैसे ही निकलूँ, और निकलना बेवकूफ़ी होती इतनी सुबह सुबह फिर, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और बाई चांस बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती तो बाइक पर तो अपनी हालत ख़राब हो जाती। फिलहाल अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं 3 बजे सोया था या 3:30 सोया था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अब 7:30 बजे उठाऊँ, मेरी आँखें देखो आप कैसी हो रही है। बाकी अभी मैं थोड़ी लेट निकलूँगा नाश्ता वगैरह करके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी ना, ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था। रात को ना मैं यही मॉनिटर कर रहा था, पता नहीं कैसे नेटवर्क आए और ब्लॉग अपलोड होना शुरू हो गया। हालाँकि 5-6 घंटे लगे हैं ब्लॉग अपलोड होने में, पर पूरी रात थी अपने पास तो हमारा ब्लॉग अच्छे से अपलोड हो गया। और अभी भी देख लो आप, हवा चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो मेरा व्लॉग अपलोड हो गया है। बट हाँ, 1.5 GB एक डाटा गया, 6 GB एक डाटा गया, फिर 6 GB का रिचार्ज करा वो डाटा गया। फिर रात को मुझे लग रहा था व्लॉग एंड पे है, अपलोड हो रहा है, तो मैंने सोचा कहीं बीच में डाटा ख़त्म हो गया ना तो भाई ये यहीं अटक जाएगा, सारी मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने 2.5 GB का, 6 GB का तो नहीं, 2.5 GB का फिर से डाटा रिचार्ज किया, जिससे 4K में मतलब प्रोसेस हो गए आराम से। वीडियो ने टाइम लिया पूरी रात का, और अब वीडियो अच्छे से अपलोड हो चुकी है। 7:30 बज रहा है, 8 बजे तक व्लॉग भी आ जाएगा। सो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो व्लॉग देखना अच्छे से। ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, खैर आप तो आप देख ही चुके होंगे। फिलहाल मैं कर लेता हूँ नाश्ता। सो गाइज, रात जो तूफान आया था उसकी वजह से बाइक की हालत देखो, पूरी बाइक तूफान में। अब फटाफट कपड़ा मार के निकलते हैं, साफ कर लेता हूँ मैं अच्छे से। सो गाइज, बाइक तो कपड़ा मार के मैंने एकदम से चमका दी है। अभी फ़िलहाल मैं रेडी भी हो चुका हूँ, सब कुछ सेट हो चुका है, तो फटाफट मैं पहले हैंके बांधता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ, और फिर निकलते हैं घर के लिए। हम परसों आए थे, आज पूरे 2 दिन हो गए, मतलब कल भी मैं यहीं था और आज भी मुझे जाते जाते दोपहर शाम ही होने वाली है, क्योंकि आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया से हो गया है, अपनी ट्रिप बढ़िया से हो गई है। तो बाइक रेडी है, सब कुछ रेडी है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो फटाफट मैं हेलमेट पहनता हूँ और निकलते हैं फिर घर के लिए। ठीक है नानी? ठीक है चलो। बचपन की यादें, बचपन में परिवार के साथ आता था, मम्मी पापा के साथ, तब रोना आता था जाते हुए, बट बड़े होने के बाद फिर भाई काम वाम सारी चीज़ें होती हैं तो समझदार बनना पड़ता थोड़ा। और मैंने कल भी इतनी बाइक घुमाई है, आज भी इतनी बाइक घुमा ली, पर एक डंडा ही शो है। और अभी भी मैं पर बाइक हिलाई ना तो इसमें 2 लीटर तेल से कम होगा अभी बाइक में, क्योंकि इसमें ना रिजर्व नहीं होता, तो भाई ये पहले ही सिक्योरिटी अलर्ट देने के लिए एक डंडा दिखा देती है। और एक डंडा मतलब 4-5 लीटर तेल होता है इसमें, 4 लीटर तो आराम से होता है, 3-4 लीटर, तो ये सीन सही है इसमें। अभी फिलहाल यहाँ से पेट्रोल पंप आई गैस 15 किलोमीटर के आसपास होगा, यह ज़्यादा भी हो सकता है। सो जहाँ तक आप पहुँच जाएगी अपनी बाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है वो बाग का रास्ता, अब तो ये बाग आम का हुआ करता था, लेकिन अभी है ना कम ही रह गया है, मतलब कितना स्पेस है, लेकिन पहले यहाँ बहुत लूटमार हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा। रात को आज भी लोग यहाँ से आने में ना थोड़े घबराते हैं, अब तो देखो ईंख छोटी है, यानी बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो उनके बीच में लूटमार करने वाले घुस के बैठे रहते हैं रात को, और फिर लूटते हैं लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे सीन हो रखे हैं, तो नाना ने मेरे को मना किया था कि इस रास्ते से मत आइयो परसों रात को, तो मैं आगे से घूम के एक पीछे से रास्ता है वहाँ से आया था, क्योंकि वो रास्ता 24 घंटे नाना बोल रहे थे चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, ये थोड़ा सुनसान हो जाता है। तो अब हमें है ना इसी रोड किनारे चलना है पूरे 40 किलोमीटर। ये पूरी है ना हरिद्वार से आ रही है नहर, गंगा नहर,
हमें इस रोड पे 40 किलोमीटर चलना है, बस चलते हैं। तो नाना ने बोला दूसरे पुल पे ही पेट्रोल पंप मिल जाएगा। भाई मैं ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है, और ऐसा वैसा तेल मैं ना अपनी बाइक में डलवा नहीं सकता। तो मैं इतना डलवाऊंगा कि किसी दिल्ली के किसी अच्छे पेट्रोल पंप तक हमारी बाइक पहुँच जाए। तो मैं अपनी बाइक में डलवाता हूँ प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ऑयल ही है, कोई बात नहीं, और उतना लिमिट में ही डलवाने वाला हूँ। फिर इसमें पर्स निकाल लेता हूँ बैग से। भाई एक्सप्लेन कर रहा है मेरी तरफ से, ठीक है। सो कितने का डलाया मैंने? मैंने डलाया 6.5 लीटर, 600 रुपये का, तो इतना तो बहुत रहेगा। बाकी आगे से फुल कराऊंगा मैं टैंक, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल तेल है, मेरे को प्रीमियम डलवाना था। अभी 4 डंडे शो हो रहे हैं, लेकिन ये 3 ही हो जाएंगे, अभी तो निकलूंगा मैं। 350 किलोमीटर बाद मैंने डलवाया तेल, टैंक फुल करवाया था, उसके बाद 350 किलोमीटर चल गई है। सो ये एवरेज मैं याद रखूंगा, इसको कैलकुलेट कर लूंगा। फिलहाल अभी मैं इसको ना 0 कर लेता हूँ ट्रिप बी को। शायद ये वही है, वही है शायद। अब यहाँ से ऊपर इधर ये बेटा, ये चक्की का रास्ता नीचे से यही है, आगे से दिख जाएगी। चलो तो मैं आना आपको अब एक चीज दिखाता हूँ रास्ते में, ये मैंने पहले भी देखी हुई है। अब मेरा तो भाई मामा का गांव यहीं पे है, तो ये बच्चे दिखाएंगे हमें चक्की अब, और कैसी चक्की वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो बाइक करते हैं ऑफ, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज अब। कहाँ से ऑफ? क्या नाम है आपका? मुकुल। और आपका? कार्तिक। तो चलो मुकुल और कार्तिक दिखाएंगे भाई हमें चक्की, और कैसी चक्की मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बाइक हमने खड़ी कर दी है, तो आपको मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, हमें नीचे जाना पड़ेगा उस चक्की देखने के लिए, पर कैसी चक्की है चलो आपको दिखाते हैं। चप्पल बाहर निकालनी है क्या यार? फिर मैं तो जूते पहने हुए। अच्छा तो उसके अंदर जाना पड़ेगा ना, तो शूज उतारने पड़ेंगे। रुको भाई, तो मैंने जूते यहीं पे उतार दिए, क्योंकि ये आटा चक्की है भाई, जूते लेके चप्पल लेके नहीं जा सकते। चलो ओ भाई हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो ये देखो भाई कितनी है, 1 2 3 3 उस रूम में। अच्छा तो कितने रुपए लगते हैं इसमें किसाने में? आपको नहीं पता, पूछना भैया से कितने रुपए में पिसती है। 8 रुपये? 8 रुपये घड़ी। घड़ी में कितना होता है? 5 किलो। चलो तो आपको दिखाते हैं हम दूसरी तरफ का। 8 रुपये दड़ी यहाँ पे आटा पिसता है। और ये चक्की, इस चक्की की खासियत ये है, अंग्रेज़ों ने बनाई थी ना ये चक्की भाई, अंग्रेज़ों के टाइम की चक्की है, उन्होंने बनाई थी ये। और साइड में गंगा जी नदी जा रही है ना, तो नदी के बहाव से, उसके फ्लो से ये घूम रही है, तो यहाँ पे वाटर फ्लो की एनर्जी की उससे चक्की
पीस रही है गेहूँ, गेहूँ से बन रहा है आटा, और दूर दूर से भाई दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे आटा पिसवाने, और तीन इस तरफ है और तीन उस तरफ है। चलो, और ये आटा फैला हुआ है हर जगह। यहाँ और ये देखो भाई लकड़ी का है पूरा, मतलब अंग्रेजों के टाइम का अब तक चल रहा है। अच्छा, और गहरा हो गए तो भाई। ये देखो ये खुली हुई है ये वाली चक्की, इसके नीचे पानी है, तो पानी के पानी जैसे बह रहा है उसके नीचे वो टर्बाइन टाइप का कुछ लगा होगा, वो घूम रहा है जिससे चक्की घूम रही है। तो ये वाली बंद हो रखी है, और ये वाली भी ये फ्लो से घूम के यहाँ से ये वाली, यहाँ ये चक्की है। तो ये कुछ ऐसी चक्की है भाई, और ये बहुत गहरा है भाई, बहुत ज़्यादा गहरा है। अगर कोई मतलब कुछ चीज़ गिर जाए ना तो बस भूल जाओ फिर। तो ये चक्की है, चले बस यही है ना, चलो जो भाई। तो मैं रास्ते से निकल रहा था तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ मैं दिखा दूं, सालों पुरानी चीज़ है। मैं जब छोटा था एक बार तब आया था, तब मैंने देखी थी। उसके बाद हम निकल जाते हैं इस रोड से, लेकिन आते नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों ने तो देखी नहीं है तो आप लोगों को दिखा दूं। भोले की झाल बोलते हैं ना इस जगह का नाम है भोले की झाल। झाल का मतलब वही पानी की जो लहरें जाती हैं, वही होता है ना झाल का मतलब। तो भोले की झाल पे हम, और यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम की चक्की थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, मैं दिल्ली जा रहा था तो मैं जूते पहन लेता हूँ। कार्तिक और मुकुल, चलो थैंक यू भाई आपने मदद करी मेरी। एक बार मैं ये पहन लूँ, शूज़ पहन लेता हूँ फिर। तो मैंने अब शूज़ भी पहन लिए, और धूप बिल्कुल सिर के ऊपर है, प्लस भाई हमारी मदद कर रहे हैं हेलमेट लेके। तो ये चीज़ भाई मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से आपको दिखाने की, जब जब मैं नाना के घर आ रहा था मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो आज मौका मिला, हम इसी रोड से जा रहे थे, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल अब मैं हेलमेट पहन लेता हूँ, और थैंक यू आपका, ठीक है आपने हेल्प करी। चलो मुकुल और कार्तिक, ठीक है कितनी दूर घर है आपका यहाँ से, कितने किलोमीटर? तो आप पैदल घूम रहे हो? नहीं बाइक से आए थे। अच्छा बाइक से आए थे आप घूमने, चलो थैंक यू फिर, थैंक यू, ठीक है थैंक यू आपका, घर जाके देखना ठीक है। चलो भाई अपना काम हो गया, और ये है भोले की झाल जैसे कि मैंने आपको बताया। भाई ये अंग्रेज़ों के टाइम की चक्की है, अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये, और आज दूर दूर के गांवों से लोग आते हैं, और यहाँ 8 रुपये धड़ी यानी कि 5 किलो आटा 8 रुपये में पिसवाते हैं। सो यू कैन से डेढ़ समथिंग हो गया, 1.6, 1 रुपये 60-65 पैसे 1 किलो आटा पिसता है। और हमारे गांव में जो मैं पिसवा के लाता हूँ अपने गेहूँ, वो भाई 3 रुपये, तो लगभग दुगने का। और ये चक्की देख रहे हो आप भाई, मतलब कितनी पुरानी चक्की है, ईंटों का काम ज़्यादा है। देखो इस ट्रक में भी ईंटें भरी हुई हैं, मुझे लग रहा है इस ट्रॉली की ईंटें गिर गई हैं। सारी साइड में आ गई ईंटे भाई साहब, ये तो तगड़ा चक्कर है, वाओ। कुछ साल पहले तक नहीं था, लेकिन अब यहाँ देखो चादर चढ़ाने का भी पूरा ये मार्केट टाइप का बना दिया। सही है भाई, मैं भाई मुझे तो पता है ना मैं इस रोड से आ रहा हूँ मामा के नाना के सालों से, बचपन से। कुछ साल पहले तक नहीं था ये, मन में आया बना दी बाउंड्री, कर दी चादर चढ़ाओ भाई। ये होता है गैर कानूनी अतिक्रमण। खैर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं अब हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में तो भाई तोड़ना भी शुरू कर दिए है। जहाँ पे प्रूफ है वहाँ तो भाई चलो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, जगह जगह ऐसी मज़ार बना दी भाई। ये चल रहा है बस इंडिया में, वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लैंड है वक्फ बोर्ड के पास, जो कि
ये मज़ार और ये प्रॉपर्टी देखते हैं, उसे वक्फ बोर्ड बोलते हैं। और वक्फ बोर्ड WAQF थर्ड लार्जेस्ट मतलब प्रॉपर्टी होल्डर है रेलवे और आर्मी के बाद, और इंडिया को बोला जाता है लैंड ऑफ टेंपल्स। सही है। मजा आ गया भाई, घर पहुंच जाएंगे अभी और थोड़ी देर में और अपनी सोलो ट्रिप पहली एंड करेंगे हम। एक्सीडेंट हो गया भाई। ओश चलो, चोट नहीं लगी, बाइक गिर गई बस। ये कुछ हालत हो गई है मेरी, बाकी अब घर पहुंचने वाला हूं मैं और आराम से लेटने वाला हूं। मेरा मन कर रहा है सोने का। अब हो गया जूस तैयार। ओ भाई बस पहुंच गए हम लोग। बहुत जगह अड़ चुकी है भाई, सच बता रहा हूँ। अपनी इस वाली ट्रिप में ना मेरी बाइक नीचे से इतनी बार अड़ी है ना, इतनी बार अड़ी है, मैं तो नीचे झुक के एक बार बैठ के ना घर बाइक खड़ी करके साइलेंसर देखूंगा, पूरी तरह घिस चुका होगा। ऐसे अड़ती रही ना तो बहुत जल्दी छेद भी हो जाएगा साइलेंसर में। सो गाइज, अपनी ट्रिप करने के बाद अब फाइनली आ गए हैं घर, और भाई कितना सुकून मिल रहा है घर पे आके। कहीं भी चले जाओ लेकिन यार घर की वाइब घर की होती है, और जो सुकून मिल रहा है ना, शांति मिल रही है अपना कमरा देख के। भले ही मैं 2 दिन के लिए बाहर था लेकिन ऐसा लग रहा है कितने दिनों से मैं बाहर ही था। बाकी ये ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, और ट्रिप में यार आपने सारे ब्लॉग अब तक देख ही लिए होंगे, तो कैसे लगे वो ब्लॉग, आई नो आपको मज़ा आया होगा। तो जल्दी ऐसे ट्रिप दोबारा प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यार भाई मुझे अब रेस्ट करना है, बेड दिख रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको भोले की झाल पे जो अंग्रेजों ने चक्की बनाई थी वो भी दिखा दी, और काफ़ी हिस्टोरिकल वो चक्की है जो कि आज तक वर्किंग है। नियर बाय गांव वाले आज भी वहाँ पे आते हैं और गेहूँ पिसवा के या अपना अलग अलग जो भी उनको ग्रेन पिसवाने होते हैं वो पिसवा के लेके जाते हैं, तो आज भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी। फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, बाकी लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना। इस ब्लॉग को मिलता है एक ब्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।